शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट ने लंबित याचिकाओं पर फैसला दिया है। 21 साल से आयु गणना कर जारी हो नियुक्ति पत्र, जी हां, 1 जनवरी 2024 मानी जाएगी आयु सीमा। 18,000 अभ्यर्थियों ने दी थी पात्रता की परीक्षा। न्यूनतम आयु सीमा को लेकर विवाद था और इसी पर यह फैसला आया है। शिक्षक भर्ती मामले में यह बड़ा फैसला लिया गया। हाईकोर्ट ने लंबित याचिकाओं पर फैसला ले लिया है। 21 साल से आयु गणना कर जारी हो नियुक्ति पत्र, ये कहा गया है। तो कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी आयु 21 वर्ष नहीं थी, उनको इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। उक्त समस्त अभ्यर्थियों की ओर से माननीय हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और अंतरिम आदेश के बाद आज फाइनल आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है और DPI को निर्देशित किया गया है कि उक्त याचिकाकर्ताओं की आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाकर नियुक्ति पत्र जारी किए जाए। भोपाल का जिक्र करेंगे। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। बदमाश का तमंचा लहराते वीडियो वायरल हुआ है। नशे की हालत में तमंचा लहराते ये बदमाश दिखा। 10 नंबर मार्केट के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। राजधानी भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बदमाशों का आतंक साफ तौर से नजर आता है। बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो हौसले लगातार बुलंद बदमाशों के होते जा रहे हैं। ये तमंचा लहराते हुए बदमाश नजर आ रहा है। अब वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल भी चल रही है। और भोपाल में युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बता दें, बदमाशों के गैंग ने युवक पर वार किया। CCTV कैमरे में यह पूरी घटना भी कैद हुई है। वीडियो में 6 से 7 बदमाश हमला करते हुए दिखाई दिए। FIR के बाद भी नहीं पकड़े गए हैं अब तक बदमाश। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और इसी इलाके से कई बार ये ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब अशोका गार्डन की तरफ गुंडई बदमाशी देखी जाती है। और फिर से एक मामला सामने आया। ये राजधानी भोपाल की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, तमंचा लहराते हुए बदमाश गुंडा नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर जब 6 से 7 बदमाशों ने युवक पर हमला किया, सरेरा ये लाठी डंडों से इसे पीटते नजर आए और ये पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरा में कैद हुआ। हालांकि अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ये पकड़ाए नहीं गए हैं, पर अब CCTV के आधार पर जांच पड़ताल चल रही है। भोपाल के करौंद में बड़ा हादसा टल गया। नाले के बहाव में फंसी स्कूली बच्चों से भरी वैन, स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित निकाला। सामने आई भोपाल नगर निगम की यहां पर लापरवाही भी। बता दें, सफाई नहीं होने की वजह से उफान पर नदी नाले आ चुके हैं और नाले के पास लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिस वजह से ऐसी स्थितियां अलग अलग जगह पर निर्मित भी हो रही हैं। तो यहां पर बाल बाल जान बची है, कोई भी बच्चा इसकी चपेट में नहीं आया, ये राहत की बात है। वैन, स्कूली वैन ये थी, बच्चों से भरी हुई, समय रहते इसे बाहर निकाल लिया गया टीम की मदद से, वरना हादसा हो सकता था। करौंद की तस्वीरें जहाँ पर बड़ा हादसा होते होते टला है। और छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। 20 IAS अफसरों का तबादला कर दिया गया। महादेव काफरे को रायपुर संभाग का आयुक्त बनाया गया तो वहीं विनय कुमार लंगे को महासमुंद का कलेक्टर बना दिया गया है। संबित मिश्रा बीजापुर के कलेक्टर होंगे। संजय त्रिपाठी को कोरिया का कलेक्टर बनाया गया तो ऋतु जैन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजा गया है। उन्हें CSIDC दिल्ली हेडक्वार्टर में तैनात किया गया। और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे ने 172 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। 5 से 20 अगस्त के बीच ये ट्रेनें नहीं चलेंगी तो वहीं 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। तो दूसरी तरफ 22 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं तो एक बार फिर से रेल मुसाफिरों को मुश्किलें होंगी। परेशानी होने वाली है, हर बार त्योहार के समय ये ट्रेनिंग को रद्द करते हैं। मैं खुद, मेरे को बाहर जाना था अभी त्योहार में और मेरे को भी कैंसिल कराना पड़ा है। मेरे को खुद बाहर जाना था। अब कुछ न कुछ कारण होगा, इसी वजह से ट्रेनें को रद्द किए, कहीं पर नदी में बाढ़ आ गई है या और
कई तो परेशानी है इस वजह से, लेकिन अभी रद्द नहीं करना था क्योंकि राखी का सीजन है, लोग महिलाएं अपने घरों को जा रही है, अपने भाइयों के पास जा रही है, ऐन वक्त पर रेलवे उसे निरस्त कर देती है, इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानियां होती हैं, वैकल्पिक ट्रेन की उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती और वे अपने परिवारों के साथ इधर उधर भटकते रहते हैं और इससे रेलवे प्रशासन के प्रति उनका गुस्सा और आक्रोश बढ़ते जाता है। तो वही बात अब बिलासपुर के करते हैं। पिता ने लड़के को मोबाइल देने से इनकार कर दिया तो उसने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोक नगर की है। आपको बता दें कि देवानंद जायसवाल का 13 साल का बेटा जो 7वीं क्लास में पढ़ता था, पिता से मोबाइल मांग रहा था लेकिन उसकी तबीयत खराब होने से पिता ने मोबाइल देने से मना कर दिया और जल्दी सो जाने को कहा। मोबाइल नहीं मिलने से नाराज लड़का अपने कमरे में गया और बाथरूम में फांसी लगा ली। खबर दुर्ग से है जहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस चल रहे मैत्री कॉलेज ऑफ डेंसिटी को तत्काल बंद करने का नोटिस भी जारी किया है। कॉलेज पर नर्सिंग एक्ट के उल्लंघन के आरोप हैं। अधिकारियों ने जांच में कई खामियां पाई और प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन की मोहलत दी है। सीएम विष्णुदेव साय के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई। फेक अकाउंट में विष्णुदेव साय की तस्वीर लगाई गई। मुख्यमंत्री के नाम और फोटो देखकर इस आईडी में करीब 682 लोग जुड़े भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस आईडी से कुछ अधिकारियों को मैसेज भी भेजे गए, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तस्वीर सरगुजा कलेक्टर के फेक व्हाट्सएप की है। सरगुजा कलेक्टर विलास भोस्कर के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया। उनके परिचितों के ने उन्हें मैसेज आने की जानकारी भी दी थी, जिसके बाद कलेक्टर ने खुद इसकी जानकारी सार्वजनिक की है। कलेक्टर ने बताया कि उनके परिचितों को मैसेज और व्हाट्सएप कॉल भी आ रहे हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने को कहा है। खबर बिलासपुर से है जहां पर महिला और युवक पर जानलेवा हमला हुआ। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। 5 दिन पहले की यह घटना है। दुकान में घुसकर महिला और युवक पर लाठी डंडे से हमला किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 3 बदमाश एक दुकान में पहुंचते हैं, महिला युवक पर ताबड़तोड़ रॉड और लाठी से हमला करते हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली हादसे के बाद भोपाल प्रशासन अलर्ट है। पुलिस और प्रशासन की टीम सड़कों पर उतरी है। एमपी नगर जोन 1 और 2 इलाके का दौरा किया। प्रशासन ने शनिवार को कोचिंग संचालकों की बैठक भी बुलाई है। इंदौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने अध्ययन लाइब्रेरी को सील कर दिया है। इंदौर में लगातार बेसमेंट में बने लाइब्रेरी, कोचिंग और गोदाम दुकान पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 26 कोचिंग संस्थान सील हो चुके हैं तो वहीं 3 दर्जन से ज्यादा बेसमेंट में बने दुकानों, लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई की जा चुकी है। भोपाल एमपी नगर जोन 2 के पास बना मेट्रो स्टेशन गलत इंजीनियरिंग को लेकर चर्चा में है। यहां पहले से पास नक्शे के आधार पर मेट्रो स्टेशन तो बना दिया लेकिन बाद में पता चला कि मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुजर रही सड़क से बड़े ट्राले और कंटेनर जैसे बड़े वाहन फंस सकते हैं। बड़े वाहनों के मेट्रो स्टेशन से नीचे से निकलने की पर्याप्त जगह नहीं दी गई। जब मामला सामने आया तो हल्ला मच गया। राजधानी में बने अन्य मेट्रो स्टेशनों की सड़क में ऊंचाई 5.5 मीटर है लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते यहां ऊंचाई 4.5 मीटर ही बची है, जिसके बाद इंजीनियरों ने दिमाग लगाया और सड़क को ही नीचे करने का रास्ता खोजा।
ये रोड हम लोग का स्टेशन से एक हैवी व्हीकल हाइट व्हीकल जाने के लिए जो मिनिमम क्लियरेंस चाहिए उसके लिए यहाँ पे कम पड़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से हम लोग का वो चौराह तक 3 मीटर का डिफरेंस है, लेकिन हम लोग का जो स्टेशन है वो हम लोग कैम्बर में या तो स्लोप में स्केल में नहीं बना सकते। इसके लिए हम लोग को रोड को 602 फीट के आसपास हम लोग डाउन करके बनाना पड़ रहा है। जबलपुर का जिक्र करेंगे, एमपी वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से झटका लगा है। 3 ऐतिहासिक इमारतें बोर्ड की संपत्ति नहीं है। बुरहानपुर की 3 इमारतें वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने एएसआई के पक्ष में सुनाया है फैसला। वक्फ बोर्ड ने 3 इमारतों को बताया था अपनी संपत्ति। जो सर्टिफिकेट उन्होंने निर्णय लिया कि इसको चैलेंज किया जाए सुप्रीम हाईकोर्ट में। इस आदेश को हाईकोर्ट ने चैलेंज किया, हाईकोर्ट ने आरबीआई की पिटीशन अलाउ कर दी 26/7/2024 को, और ये डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, और वह बोर्ड का ऑर्डर निरस्त कर दिया। इंदौर में कांग्रेस ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बीजेपी नेता अक्षय कांति बम पर कटाक्ष करते हुए यूनिवर्सिटी में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि पेपर लीक मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 1 लाख का चेक लेकर रख लिया और कॉलेज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शन के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अक्षय कांति बम के कॉलेज से प्राप्त 1 लाख रुपए का चेक वापस कर दिया। आपको बता दें कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इस पेपर लीक मामले में अक्षय कांति बम के कॉलेज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद जुर्माने की राशि में बदलाव की संभावना बनी है। कांग्रेस कॉलेज की मान्यता समाप्त करने की मांग कर रही है। अगर आने वाले समय में कॉलेज की मान्यता समाप्त नहीं की जाती है तो फिर से प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेसी मैदान में उतरेंगे। आईडी कॉलेज का एक प्रकरण हुआ था जिसमें कि प्रश्न पत्र लीक होने का उनको दोषी पाया गया था, तो कार्य परिषद ने उनके ऊपर 5 लाख का एक जुर्माना लगाया था। तो उस जुर्माने की जो राशि है 5 लाख रुपए जो निर्धारित करी थी कार्य परिषद ने, शायद आईडी कॉलेज ने 1 लाख रुपए का चेक भिजवाया है, तो विश्वविद्यालय ने उसको वापस करने का निर्णय लिया और हमने उसको चेक को वापस भी कर दिया है। कल वापस किया हमने 31 तारीख को। और जो वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता आज आए थे प्रदर्शन करने, उनको हमने अवगत कराया कि हमने चेक वापस कर दिया। 5 लाख रुपए से कम की राशि विश्वविद्यालय स्वीकार नहीं करेगा जो उन पर दंड लगाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव सतना के चित्रकूट में आयोजित सावन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने लाडली बहनों से राखी बंधवाई और मंच से रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपए बोनस देने की घोषणा की। साथ ही करोड़ों के विकास कार्य की सौगात चित्रकूट क्षेत्र को दी है। सीएम ने इस मौके पर पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के साथ सावन का त्यौहार मनाया। उन्होंने लाडली बहनों को झूला झुलाया। कार्यक्रम में पहुंची लाडली बहनों से सीएम ने राखी बंधवाई और बदले में उन्हें उपहार भी दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 131 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया। सावन का महीना मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है कि अपने बहनों के साथ प्रत्येक जनप्रतिनिधि जो जहां है वहां से आज से 10 तारीख तक लगातार रक्षाबंधन का उत्सव मना। यद्यपि राखी 19 तारीख को है, जो बहनें अपने घर में भी मनाना चाहती है, मायके जाना चाहती है, कुल मिलाकर के ये भाई बहनों का अद्भुत त्यौहार है, सारे त्योहारों का राजा है। ऐसे में प्रत्येक लाडली बहना के लिए 250 रुपया सरकार द्वारा भी हर रक्षाबंधन के पर्व पर दिया जाएगा। 1250 तो पहले से हम देते ही हैं, और इसी अवसर पर 450 रुपया प्रति गैस कनेक्शन की टंकी का वो भी सरकार ने देने का तय किया है। गरियाबंद के फिंगेश्वर में 3 हाथियों की दहशत है। वन विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। बलरामपुर गांव और नागझर गांव के पास ये हाथी मौजूद है। ये दोनों गांव फिंगेश्वर शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 20 से ज्यादा गांवों में इसको लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और फिंगेश्वर शहर के बेहद करीब जो है 3 दंतैल हाथी मौजूद है बलरामपुर और नांगझर के पास। और ये देखिए
हम दिखा रहे हैं बेहद सावधानी पूर्वक वन आमला जो है किस तरह यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगातार लोगों को अलर्ट मोड पर रखी हुई है और कुछ आदि जो है यहीं पर मौजूद है। लाइव हम इस वक्त तस्वीर दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए अफरा तफरी का माहौल है और पूरे रास्ते को इस वक्त जाम कर दिया है। और हम इस वक्त जो हाथी है वो तीन नंचल हाथी दिखा रहे हैं ताकि लोग अलर्ट रहे, सतर्क रहे। हाथी बेहद खतरनाक है और देखिए किसी रोड पर मुख्य मार्ग पर ये छुरा मार्ग है और बलरामपुर नांगर के पास ये तीनों दंतैल हाथी मौजूद है। मेरे से कुछ दूरी पर ये देखिए कुछ दूरी पर यहाँ पर मौजूद है और वन अमला लोगों को अलर्ट कर ये पूरी गाड़ियों को इधर जाम रखे हुए हैं। ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं बेहद ही एक्सक्लूसिव। और यहीं पर ठीक झाड़ियों के पीछे वो तीनों दंतैल जो हाथी है वो मौजूद है। वन अमला लगातार लोगों को अलर्ट और सतर्क यहाँ पर कर रहा है। श्योपुर जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी वजह से अमराल नदी उफान पर है जिससे 20 गांव का साईकला कस्बे से संपर्क टूट चुका है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के सामान से लेकर अन्य दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अमराल नदी में आए उफान की वजह से सोईकला गिलास रोड पर नदी के ऊपर बना रपटा पानी में डूब चुका है। नदी के दोनों ओर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोग नदी का जलस्तर कम होने का इंतजार करते नजर आए। लोगों का आरोप है कि हर साल नदी का जलस्तर बढ़ने पर रपटा पानी में डूब जाता है। नदी पर बड़ा पुल बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है लेकिन बड़े पुल का निर्माण नहीं हुआ। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बादल फटने की वजह से शिवपुरी के 48 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कर लिया गया। सभी श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बुधवार की रात बादल फटने से रास्ते का करीब 30 मीटर हिस्सा बह गया। इसके चलते दोनों और सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए जिसके बाद NDRF और SDRF जवानों को रेस्क्यू अभियान में लगना पड़ा। शिवपुरी जिले के बदरवास कस्बे के रहने वाले करीब 50 श्रद्धालु चारधाम यात्रा सहित बद्रीनाथ में आयोजित होने वाली भागवत कथा में शामिल होने गए थे। कोरबा नगर पालिका निगम के पूर्व सभापति राम नारायण सोनी ने कोसाबाड़ी चौक के पास खटिया आंदोलन किया। वे नगर निगम के खिलाफ सड़क के किनारे धरने पर बैठे जलभराव को लेकर नाराज पूर्व सभापति ने धरना दिया। धरने की सूचना के बाद निगम प्रशासन जागा और अतिक्रमण हटाकर पानी निकासी की व्यवस्था बनाई गई। ये तस्वीरें आपके सामने। धरने के बाद प्रशासन जागा। दरअसल बारिश लगातार हो रही है और इसी वजह से हर जगह हम देख रहे हैं जलभराव की स्थिति है और कहीं ना कहीं इसी वजह से कई सारी मुसीबतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। पूर्व सभापति यहां पर खटिया आंदोलन करते हुए नजर आए और उसके बाद जब इसकी जानकारी प्रशासन को लगी तो निगम जागा और यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था की गई। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।